मेरे इस चैनल ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल में जहां आपको विभिन्न विषयों की जानकारियां प्राप्त होंगी, वहीं आपको मेरी कुछ स्वरचित कविताएं भी सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, देखते हैं आज हमारा ज्ञान कुंड हमारे लिए कौन सा विषय निर्धारित करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है अनिद्रा और वास्तु। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमें नींद नहीं आती, बहुत कम नींद आती है, और अगर सोते भी हैं तो सुबह ऐसा लगता है कि जैसे सारी रात तो हम सोए ही नहीं। सारा दिन आलस्य भरा रहता है, शरीर थका थका रहता है, हमें लगता है कि हमें नींद न आने की बीमारी हो गई है, और इसका सॉल्यूशन हम नींद की गोलियों में ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी समस्या का कारण आपके घर का वास्तु भी हो सकता है? कहीं इसका कारण आपके घर का वास्तु दोष तो नहीं? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपका बेडरूम कौन सी दिशा में है? कहीं वह उत्तर पूर्व दिशा में तो नहीं है? यदि दोस्तों ऐसा है तो आपकी समस्या का कारण और उसका समाधान आपके ही घर में है। सूर्योदय के समय सूर्य की पॉजिटिव किरणों की पॉजिटिव एनर्जी के कारण घर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी उत्तर पूर्व दिशा में ही होती है। इसी कारण हमारा दिमाग और शरीर उस स्थान पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सोते समय हमारा दिमाग भी एक्टिव बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनाना चाहिए। बेडरूम को हमेशा अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही बनाएं, जिससे कि आपको गहरी नींद मिल सके और आप आराम से सो सके, क्योंकि दिन भर एक्टिव बने रहने के लिए रात को भरपूर नींद बेहद जरूरी है। दोस्तों, एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि कभी भी उत्तर की ओर सिर करके न सोए, क्योंकि उत्तर में चुंबकीय बाड़ है, जिनकी चुंबकीय तरंगे सोने के बाद हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखते हैं कि अगली बार के लिए हमारा ज्ञान कुंड हमारे लिए कौन से विषय का निर्धारण करता है। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।